अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सबसे पहले पाकिस्तान, और आपको पता है कि पाकिस्तान की बात जहां आती है वहां पाकिस्तान के हर किरदार की बात आती है, वहां पाकिस्तान के हर उस इंसान की बात आती है जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए और अपने किरदार के लिए काम किया हो। आज के जो मेरे मेहमान हैं और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी, वो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, कोई सोशल इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूं जिनका शुमार पाकिस्तान के उन लोगों में होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी बेहतरीन शनाख्त बनाई, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन किसी की मेहनत के पीछे कई साल होते हैं, कई सालों की मेहनत से और अंतक मेहनत से इंसान जो है वो अपना नाम बनाने में कामयाब होता है। वो एक एक्टर हो, वो एक मॉडल हो, वो एक राइटर हो, वो डायरेक्टर हो, या वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। लेकिन कुछ इंसान अल्लाह ताला ऐसे बना देता है, ऐसे सांचे में ढाल देता है कि जिनमें तमाम तर खूबियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला एक ही शख्सियत में रख देता है। ऐसी ही आज एक ख़ास और अहम शख्सियत, मेरे फेवरेट भी हैं और मैं उनको बहुत अरसे से फॉलो भी करती हूँ, देखती आ रही हूँ, उनकी एक्टिंग की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी राइटिंग की भी फ़ैन हूँ, और साथ ही साथ जो वो एक कॉलमिस्ट हैं, एज अ कॉलमिस्ट भी उन्होंने काम किया, वो भी बहुत, अब ब्लॉगर भी हैं और बहुत सारे काम करते हैं कि बहुत अच्छे सुपर डुपर एक्टर भी हैं कि जब एक्टिंग करते हैं तो अल्फाज के साथ जो इंसाफ करते हैं वो इंसाफ करते हैं मैंने बहुत कम लोगों को देखा। मैं नाम लूँगी और आप पहचान जाएंगे हमारे पाकिस्तान के नामवर फनकार भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। जब शायरी कहते हैं तो कमाल कहते हैं। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी, जिनको आप और हम सब जानते हैं इफ्तिखार इफ़ी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके चैनल का बेहद मशहूर हूँ और आपके उन अल्फाज का जो आपने इस फ़कीर के लिए बोले हैं, मैं तो खैर इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इस तरह चोरों को सारे चोर नज़र आते हैं, इस तरह अच्छों को भी सारे अच्छे नज़र आते हैं। क्योंकि आप ख़ुद बहुत अच्छी हैं तो आपको शायद मैं भी अच्छा नज़र आया। सर सलामत रहें, आप ख़ुद एक अच्छे इंसान हैं और एक दरवेश शख्सियत हैं। आपका कलम दरवेश है, आपकी पर्सनैलिटी दरवेश है और मेरी ख़ास उनसियत है ऐसे लोगों के साथ जो वाकई दरवेश हैं। सर इतने सारे काम, मैं ये तो नहीं आपसे कहूँगी कहाँ से स्टार्ट किया, वो तो आप मुझे बताएंगे ही, लेकिन मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि इतनी सारी खासियतें, कोई एक शख्स एक्टर होता है, कोई एक शख्स जो है वो कोई राइटर होता है, लेकिन आप राइटर भी हैं, आप शायर भी हैं, आपने स्क्रीन प्लेज भी लिखे और जो ड्रामाज आपने लिखे वो सुपर डुपर हिट हुए, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? दरअसल मैं मेरी एक सोच है, ये तो खैर पहली बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है, अतः खुदाबंदी है, मेरे मालिक का करम है और मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, लेकिन मैं कायल हूँ इस बात का कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने अता कर रखा है वो मौसम है, वो फल हैं, वो खाने हैं, वो कोई भी हुनर है, मुझे उसका मैक्सिमम जो लीगल या हलाल है वो कमाना है और लेना है, वो चाहे शोहरत हो, वो चाहे खाना हो, वो कोई भी चीज़ हो। तो मैं दरअसल क्योंकि डरता नहीं हूँ इस तरह की कुछ किसी चीज़ से, मैं हर उस काम की हद तक जाने का ख्वाहिशमंद हूँ जो किसी भी हवाले से लीगल होती है। सही। तो कॉलम लिखना, किताब लिखना, ड्रामा लिखना, एक्टिंग करना, शायरी करना, फिर व्लॉग्स भी, तो ये सारी वो चीज़ें थी। मैं जानना चाहता था कि एक शख्स कितना काम कर सकता है, कितने शोबों में कर सकता है, तो इसलिए शायद मैं ये सब कुछ कर गया और पत्नी से आगे हो सकता है मैं कुछ और भी करूं। अच्छा, अभी आगे भी प्लान है आपका कुछ? जी बिल्कुल हो सकता है जी, कुछ और भी करने का। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने, अल्लाह ने जिस दायरे में आपको पैदा किया दुनिया के, उस दायरे में दरमियान में रहने के बजाय आप उसकी हदों के साथ साथ ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त। सर तरबियत का कितना हाथ होता है इंसान की ज़िंदगी में, ये अच्छे लोगों में बैठना और अल्लाह वाले लोगों की सफ़ात को जो है अडॉप्ट करना, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। सर ये जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, इसको कब परखा आपने? देखिए जी, मेरे अंदर रूहानियत है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब आप बैठते हैं अच्छे लोगों में और अल्लाह वालों में बैठते हैं, जिस तरह
कहते हैं ना कि अगर आप इत्र की दुकान में जाएं, इत्र ना भी खरीदें तो आपके बदन से खुशबू आने लगती है, और अगर आप बुरे लोगों में बैठेंगे यकीनन बुरी सोसाइटी सही आपके पास बैठने से आपके कपड़े कम से कम जरूर जल सकते हैं, चिंगारी को जला सकती सही, है। बिल्कुल सही। तो ये तो बड़ी पक्की बात है कि जब आप अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आप अच्छा ही सीखते हैं, और बुरे में लोगों में बैठने वाले बुरा सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो शफाक अहमद साहब के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक और बहुत बड़ी शख्सियत, वो रूहानी अदबी शख्सियत, ये ताल्लुक कैसे बना, ये कैसे जुड़ा? बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बारह बताया, मैं तो गया था अशफाक साहब से, मेरा ख्याल था कि अशफाक साहब की बातें थोड़ी सी इसमें बेहतरी लाई जा सकती, मेरा ये ज़ाती ख्याल था। सही, सही। दूसरा ये था कि यार ये बड़े मशहूर आदमी है, और मैं एक्टिंग के लिए उससे स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं इनसे सिफारिश करवाऊँगा और मुझे काम मिल जाएगा। Okay. लेकिन शुक्र है वो काम तो नहीं मिला, ना उन्होंने सिफारिश की मेरी, ना मैं कह पाया उनसे। सही। लेकिन वो है कि वो, मैंने एक दफ़ा कहा था कि सूफी का रंग और लोहे का जंग एक बार चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। वाह, वाह, तो शायद वही बात है, और कोशिश भी यही है कि हजरत इंसान के लिए उस तरह से आसानियाँ पैदा की जाएँ जैसे अल्लाह उसके नबी का हुक्म है, या जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जैसे अशफाक साहब कहा करते थे कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो वो एक कोशिश कर रहा हूँ, अब कितना कामयाब हूँ ये तो खैर आप लोग बता सकते हैं। सर आप कामयाब हैं, और आपकी कामयाबी जो का राज जो है वो आपके कलम में है, आपकी आँखों में है, आपके हाथों में है, और ये अल्लाह ताला की अता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने सबसे पहले आगाज़ किस चीज़ का किया, राइटिंग का किया, एक्टिंग का किया, या सबसे पहले जो है वो शायरी का आगाज़ किया, लिखा कुछ, या पहले एक्ट किया? नहीं जी, मैंने पहले, सबसे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था 87 में, तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, और हमारे टीचर हुआ करते थे उस वक्त अमजद इस्लाम अमजद, ज़बरदस्त। तो मैं एमए कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने उसको उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा ख्याल बहुत अच्छा है और लिखते रहना छोड़ना ना। अच्छा। तो अगर तहरीर देखी जाए तो ये था। तो उसके बाद डिप्लोमा किया, एक बाकायदा एक्टिंग पढ़ के, ड्रामा पढ़ के आया, और रफी पीर थिएटर के साथ बड़ा परफॉर्म किया उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फारूक खान लगारी साहब, उनके सामने कामरान की बारह दरी में परफॉर्म किया बसंत नाइट को। अच्छा। उसके बाद जब पीटीवी आया तो एक तो अंदर ही घुसने देते थे, अगर अंदर घुस जाते थे मिन्नत समाज करके तो फिर काम नहीं मिलता था। अच्छा। तो वो 8-10 साल काम नहीं मिला, 8-10 साल। हाँ, स्टार्ट के तो छोटे छोटे रोल मिलते थे, कहीं नारे लगा रहा हूँ, कहीं शादी में बैठा हूँ बराती बन के, कहीं हार पहना रहा हूँ। सही। तो बाबा जी शफाक साहब ने मुझे कहा तुम लिखा करो, तो हमने लिखना शुरू कर दिया, वो बिकता नहीं था। तो एक दिन मैंने शफाक साहब से कहा कि ये तो जो मैंने लिखा ये तो कोई ले ही नहीं रहा, सही, और कोई बना नहीं रहा ड्रामा। तो उन्हें कहा यार तू लिखी जा, तो रखी जा, वाह तेरे स्क्रिप्ट तेरे नाल बड़े हो जाएंगे। फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब पहली बार काशिम निसार साहब ने हमें कहा, एक 18 मिनट का एक उनकी सीरीज चल रही थी नज़म से लिपटी कहानी, अच्छा, और वो मैंने लिखा तो मुझे पहली बार 6,000 रुपये मिले। अच्छा। तो मैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं कह यार मैं गरीब आदमी था, मोटरसाइकिल पे था, तो मैंने वहाँ तय करना था कि यार मुझे लिखना है या अपना शौक एक्टिंग पूरी करनी है। सही। तो अंदर से आवाज आई कि नहीं यार जरूरत पूरी करनी है, शौक नहीं। वाह वाह। तो फिर एक्टिंग को त्याग दिया और लिखने बैठ गया। जब लिखने लग गया तो बीच में फिर एक्टिंग भी मिलनी शुरू हो गई। सही, वाह क्या बात है। सर ये आपने ये जो सफ़र तय किया, जब काम नहीं मिलता था, जब आप जो है वो बिल्कुल कभी मायूस हुए, कभी ऐसा लगा, या चलते गए और साथ चलने वालों ने हौसला इतना दिया और ईमान इतना पुख्ता था कि कभी यकीन नहीं हुआ कि हाँ ठीक है, या कभी परेशान हो जाते थे और दिल हार देते थे कि मुझे ये फील्ड ही छोड़ देनी चाहिए, कुछ ऐसा हुआ कभी ज़िंदगी में? देखिए जी मैं बशर हूँ और ये बशरी तकाज़ा है, मायूस होता है बंदा, दिल टूटता है, और कभी ऐसा लगता है कि आप उड़ रहे हवाओं में और कभी आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक जाती है, और शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। सही। खुशी गम राहत तकलीफ धूप छाँव, तो ये कुछ देर के बाद ये बात समझ आनी शुरू होगी कि इफ्तिखारिफी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है या जब तू उस काबिल हो जाएगा तो तुझे इज्जत दौलत पैसा सब कुछ मिल जाएगा, तो वो चलते रहे। लेकिन
वो बड़ा कड़ा वक्त होता है। देखिए जब आप पहाड़ चढ़ते हैं ना, सही, तो आपका बड़ा सांस फूलता है, आप रुकते हैं, टांगों में दर्द भी होता है, लेकिन जब आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको नीचे देखने के बाद वो तकलीफ याद नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला जहाँ मुझे इज्जत के मामले में और शोहरत के मामले में और काम के मामले में जहाँ तक ले आया है, पेट भर के रोटी मिल जाती है, तो अब शायद वो तकलीफें उस तरह से याद नहीं आती। सही, लेकिन उन तकलीफों को याद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माजी को हम दुरुस्त नहीं कर सकते। सही, और मुस्तकबिल का हमें पता नहीं है कि वो मैंने ज़िंदा रहना कि नहीं रहना, तो मुस्तकबिल की प्लानिंग करने के बाद, साइंटिफिक एफर्ट्स करने के बाद अल्लाह के हजूर रख दें, और जो मौजूद है, लम्हा मौजूद, इश्फाक साहब कहते थे, इसको जिए, जिस लम्हे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही, इस लम्हे में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो खुशी है ये तो इंसान के अंदर होती है, जब इंसान को अपनी मनचाही सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो खुश होता है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी कमी होती है ज़िंदगी की जो रह जाती है, और इंसान सोचता है नहीं अभी शायद बहुत कुछ बाकी है, इतना काम किया आपने, इतने प्लेज लिखे, सुपर डुपर हिट प्लेज लिखे, और वो चलते रहे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर उनकी बड़ी शोहरत हुई, आपका नागिन प्ले बहुत सुपर डुपर हिट रहा, और उसमें आपने इतनी वैरायटी दी, डायलॉग्स की वैरायटी दी, ये कैसे, ये प्ले कैसे लिखा आपने, और इसे डिफरेंट किस तरह से जो है वो क्रिएशन की, क्योंकि उस वक्त जहाँ ड्रामास बन रहे थे बड़े ही डिफरेंट स्टोरीज पे, आपने एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो बीच में ऐड कर दी, और वो सारी ही नागिन और वो सारा ये कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से? देखिए जी, ये मेरा आइडिया नहीं था, पहली बात थी, तो बाबर जावेद साहब का आइडिया था, जियो के उस वक्त हेड थे। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे कहा लिखना है और सोप लिखना है, तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं नागन से घर हीरो हीरोइन को कितना बचाऊंगा। सही। तो उन्होंने कहा जी अब फिर आपने पैसे की चीज़ के लेने हैं। अच्छा, मैं वो बच्चा हूँ जो बचपन में भी इस तरह की कहानियाँ पसंद, ना डरता था ना पसंद करता था, कि जी एक चुड़ैल थी वो पीपल के दरख्त पे रहती थी। सही। ना मैंने ऐसा कभी सही। जो किताबें पढ़ी ऐसा मवाद कभी पढ़ा नहीं। सही। तो जब ये लिखने की बारी आई, अब मैं सोच में पड़ गया, तो मैं वहाँ से निकला जियो के ऑफिस से, लाहौर से, और मैं सीधा चला गया दास्तान सराय। अच्छा। बानो कुसी आपा उस वक्त हयात थी, तो अच्छा। मैं आपा के पास जाके बैठा पैरों में, मैंने कहा आपा जी वो मुझे कह रहे हैं कि नागन लिखना है। हाँ। तो कहते हैं हाँ काका लिख, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, देखी कहीं मजाक ना बन जाए। मैंने कहा जी मैं कैसे लिखूँ, मैंने तो आज तक ऐसा अदब पढ़ा नहीं। कहती अल्लाह ताला ने तुझे जहन दे रखा है, सोच। सही। तो ए हमीद साहब की बात की उन्होंने, कि ए हमीद ने भी तो अंबर नाग मारिया लिखा था और ऐनक वाला जिन लिखा था, तो मुझे वहाँ से हौसला मिला। फिर मैं घर आया, अम्मी अब्बा से मैंने कहा, तो उन्होंने सर पे हाथ फेर के कहा बिस्मिल्लाह करो, बस फिर उसके बाद लिखते ही चले गए। और फिर बड़ी मदद की फैसल मंजूर साहब ने, शिराज काजी ने, ख़ास तौर पर जो इसके डायरेक्टर थे बिलाल साहब, सही, शाह बिलाल, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। लेकिन वो 250 किस्ते मैं लिखता रहा, सवा दो साल गुजर के उसको लिखने। सर, किसी के कॉन्सेप्ट पे लिखना बड़ा कमाल है। एक तो होता है ना कि राइटर का अपना स्टाइल होता है, राइटर की अपनी सोच होती है, वो कैनवस पर उतारता है, और अक्सर उकार ड्रामा देखने वाले ज़्यादातर लोग, हमारे नाज़रीन यही समझते हैं कि ये ड्रामा जो है वो एक राइटर की सोच है, लेकिन जब इसमें एक बंदा आपको बनी बनाई कह रहा हो कि आपने इसी पे लिखना है और आप इसी पे लिखें और डायलॉग्स भी आप इसमें से जो है वो बनाएं, तो ये ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है उस टाइम लोगों को भी समझाना कि क्या ये एक राइटर की सोच है या ये एक डायरेक्टर का काम है। आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? देखिए जी, जिसने बच्चे पालने होते हैं ना, वो फिर ये नहीं देखता कि उसकी अपनी कहानी है कि सामने वाले की कहानी है। सही। उसको तो करना पड़ता है। सही। तो मुझे तो बच्चे पालने हैं और इज्जत के साथ पालने हैं, मैं किसी के आगे हाथ तो फैला नहीं सकता। तो ना इतनी हिम्मत है, ना आज तक फैलाया, तो फिर आपको तो लिखना पड़ेगा, वो जो कहेंगे लिखना पड़ेगा। सही। ये सही। ज़रूर है कि वो बहुत बड़ी तब्दीली करने के लिए कहते हैं, तो आप बहसियत राइटर एक कैच लेते हैं और उनको लॉजिकली समझा के छोटी तब्दीली कर देते हैं, लेकिन हमें कंटेंट की बात माननी होती है, हमें उन लोगों के साथ जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको लेके चलना होता है। सही। और आज का ड्रामा ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ। तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि सारी मेरी सोच हो या देखिए 250 किस्ते, 8,500 मिनट में से कितनी टिप दे दी होगी मुझे कंटेंट वालों ने। जी जी, सही, ऐसा सही, नहीं होता। सही। लिखना मैं नहीं है। हाँ। वो तो थोड़ा सा बताते हैं, वो मेरा काम है कि मैं आपकी एक बात से, मतलब एक दफा शाह बिलाल साहब ने मुझे बुलाया, कहा यार इफ्तिखार साहब जो मैंने ना एक सीन शूट किया है, बड़ा खूबसूरत सीन, उन्होंने खुद से शूट कर लिया। अच्छा। कि वो पागल लड़की है, वो नागन के अंदर, और वो जेवर पहन के बैठी हुई है। मैं कह यार बिलाल भाई हमने तो खजाना डबो दिया उसके अंदर, क्या कहते हैं वो जो घर में झील थी उसके अंदर। सही।
तो कहते यार ये मैंने सीन कर लिया, और सीन वाकई बहुत अच्छा था। अच्छा। शाबलाल साहब कुछ चीजें खुद भी कर लेते थे उसमें। अच्छा। लिख कर। अच्छा। तो मैंने कहा अब क्या करें, कहते यार इसको जोड़े। उस पागल को वो जेवर पहनाने के लिए मुझे 16 किस्से लिखनी पड़ी 38 मिनट की। अच्छा। क्योंकि मेरी कहानी कहीं और जा रही थी। ओके। और वो एक और वो सीन भी बड़ा खूबसूरत था। तो ऐसा भी हुआ है नागिन के दौरान कि शाबलाल साहब ने कोई चीज खुद से शूट कर ली, अब उसको ड्रामे में लाने के लिए मुझे 10-15-20 किस्से लिखनी पड़ गई। सही सही सही। अब देखिए ना, ये जो चीज़ें हैं ये आप जानते हैं, जिस राइटर ने ये प्ले लिखा उसको इस प्रॉब्लम का पता है, देखने वाले लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते। आज के ड्रामास पे हम तनकीद करते हैं, मैं खुद जो है वो रिश्तों के हवाले से जब ये ड्रामास देखती हूँ, तो आप क्या कहते हैं, आप एक राइटर हैं, आपका कलम चलता है, आप एक दरवेशी कलम से आपका ताल्लुक है, जब आप ये रिश्तों को पामाल होते जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, उस वक्त क्या सोच डिवेलप होती है, और आप इस सब हवाले से क्या कहेंगे? आपने तो रिश्तों में बड़ा काम किया है, रिश्तों में बहुत लिखा आपने। देखिए बात डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि हमें ना जमाने के भाव के साथ चलना है। मुझ जैसे अकेले में या 10 लोगों में इतनी ताकत नहीं होती कि हम उस भाव के मुखालिफ चलें। सही। हम ट्राउट मछली की तरह भाव के खिलाफ नहीं चल सकते। तो सर क्या हमें गलत के साथ भी चलना है? नहीं, गलत तो ये है ही नहीं, ये मैं इसको इर्तका कहता हूँ, जिसको आप लोग गलत कहते हैं ना, मैं इसको इर्तका कहता हूँ। मेरे बचपन में आया था VCR। सही। और लोग कहते थे कि ओए होए होए बेड़ा गर्क हो गया सबका, जब से VCR आया हर बंदा VCR देख रहा है। और आज मैं सुनता हूँ इसके बारे में, इस गैजेट के बारे में कहते हैं कि जब से मोबाइल आया सत्यानाश हो गया। सही। तो मैं बड़े आराम से कहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी बेगम को भी कहता हूँ परेशान मत हुआ करें, सारी चीजें मंतकी अंजाम को पहुंच जाती हैं, ये भी पहुंच जाएगा। सही। तो मैं मुसीबत ज्यादा रहना चाहता हूँ, मैं दिमागी तौर पर परेशान नहीं रहना चाहता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ड्रामा देखें, कल अशफाक साहब लिखते थे, बानो कुसिया लिखती थी, डॉक्टर सजाल लिखते थे, बड़ी बात, बड़ी कमाल शख्सियत, उनसे पहले आगा हशर थिएटर ड्रामा लिखा करते थे, आज मैं लिखता हूँ। तो अगर मैं म्यारी नहीं लिख रहा तो ये एक गिरावट है, तो फिर गिरावट है, मैं इसको इर्तका कहता हूँ। सही सर, ये क्योंकि जब हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं स्क्रीन पर, एक ड्रामा जो है वो ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख्वातीन घर में होती हैं इसलिए वो ड्रामास के साथ ज़्यादा एसोसिएट हो जाती हैं, उन्हें सारी स्टोरी का पता होता है कि पिछली स्टोरी में क्या हुआ, पिछली उससे पिछली किस्त में क्या हुआ, इवन कि अगली किस्त में क्या होना है उसके बारे में भी तबसरे जो है वो अपने ड्राइंग रूम में हो रहे होते हैं, जबकि वो राइटर जो है वो लिख चुका होता है, अपनी सेंस जो है वो वहाँ पर उसकी ख़त्म हो गई होती है, वो दिखा चुका होता है। सर यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि एक कलम उठता है सही या गलत जो है सामने बैठे जहनों पर, उन बच्चों पर, उन बड़ों पर, उन जवानों पर, हम क्या माशरे में ये तजाद की कैफियत नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं हम इस पर बोल भी नहीं सकते, और अगर हम इस पर बोलते हैं तो राइटर अपने कलम को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहकर जो है वो बात ख़त्म कर देंगे कि ज़माने के साथ चलना है, तो क्या हमें इस तरह ज़माने को जो है प्रजेंट करना है, क्योंकि रिश्तों को बेसिकली मैं चाहती हूँ आप यहाँ रिश्तों को डिफ़ाइन करें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जितनी जिम्मेदारियां आपने राइटर की बताई हैं, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान टेलीविज़न की, जो सरकारी इदारा है जिसका काम है नेशन बिल्डिंग करना, नैरेटिव बनाना नेशन का, और ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस करने जो रिश्तों को जोड़ें, अखलाकियात पैदा करें नौजवान नस्ल के अंदर, जिस तरह पहले अंधेरा उजाला था, सोना चांदी था, बेताशा था, बारिश था, बिल्कुल, और धूप किनारे टाइप, ये सारे। अब आ गया सेठ, प्राइवेट बंदा आया है, उसने चैनल खोला है, उसको वो तो TRPs के पीछे है, जिसकी रेटिंग आएगी, जो दिखता है वो बिकता है, इसकी रेटिंग आती है उसको पैसे मिलते हैं। तो दरअसल अब ड्रामा जो है वो चैनल नहीं बनवा रहा, वो प्रोड्यूसर या राइटर नहीं अपनी मर्जी से लिख रहा, ड्रामा बनवा रहा है कंज्यूमर। सही। जहाँ आपका दांत मांजने वाला मंजन या साबुन बिक जाता है, कपड़े धोने वाला पाउडर बिक जाता है, तो ये अब वो जो बायर है ना वो बनवा रहा है ड्रामा। अब वो जितने कमर्शियल जिस ड्रामे को मिल जाते हैं कहते हैं बस ठीक है, इसी तरह से मिलती जुलती कहानी बना दें। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सेठ का ताल्लुक नेशन बिल्डिंग से जरूर होगा, और होता भी है शायद, इसकी रेशियो 40-60 हो, कि 40% नेशन बिल्डिंग, 60% परसेंट प्रॉफिट कमाना। सही बात है। अब हमारा क्योंकि चैनल PTV है और उसका काम है नेशन बिल्डिंग का, लेकिन
वो बड़े अरसे से एक टर्किश ड्रामा चला रहा है उस हीरो का जिसका हमसे इस खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। और लोग वो देख रहे हैं, देख रहे उसकी वजह से एक बेरोजगारी भी है, उसकी वजह से राइटर डायरेक्टर कई फारिग बैठे हुए हैं और दो तीन साल से बैठे हुए हैं। सही सर, काम का होना और काम का ना मिलना, होने के बावजूद ना मिलना, देखें इस वक्त ज़रूरत है कि अच्छे राइटर्स आगे आएं, आप लोग लिखें, आप ड्रामास पे ड्रामास जो है वो लिखकर जो है वो लोगों को दें, और आप तो कर रहे हैं माशाल्लाह, आपके पास तो है, लेकिन फिर भी जो कलम चलता है, लेकिन इस तरह अच्छे कलम तक जो है वो ड्रामे का ना पहुँचना, इसके पीछे आपने जो चीज़ें थी वो बता दी, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए आगे? कुछ थोड़ी सी कोई एक ऐसी बात कि मैं चाहती हूँ कि कोई अंदर से कोई ऐसे जुमले, कोई ऐसी बात निकले कि जो वाकई आप समझते हो कि किसी तक पहुंच जाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि राइटर का काम है कौम को, कौम के बच्चों को आगे रास्ता बताना। ट्रू। और सही रास्ता बताना। बिल्कुल सही। हंसी खेल में, मजाक में, एक ड्रामे के जरिए, एक अच्छे जुमले के जरिए। और अभी मतलब अगर हम देखें तो परीजात लेकिन हाशिम नदीम साहब ने वो लिखा और उसको आप ये देखें कि उन्होंने उसका वाइंडअप कितना खूबसूरत किया है। तालीम सबके लिए यकसां की बात करके, और हीरो हीरोइन कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हालांकि लोगों को ये वाइंडअप पसंद नहीं आया। ये तो बहुत बड़ा वाइंडअप है, बहुत बड़ा वाइंडअप है। सही कह, आपने कितने बड़े सीरियल को उसको आप किसी हिंदी फिल्म की तरह भागती हुई लड़की और भागता हुआ लड़का एक शॉट्स ले सकते थे उन बर्फों में, सही, और उनकी शादी करवा देते और वो हंसी खुशी रहने लगे। सही। नहीं, इतना बड़ा वाइंडअप है जिसकी कोई तारीफ नहीं हुई। मेरा तो ख्याल था सोशल मीडिया पे आशिश हो जाएगी और लोग वीडियो बनाएंगे और कहेंगे यार क्या खूबसूरत बात है। तो शायद अभी कौम को ये इदराक ही नहीं है कि तालीम की क्या अहमियत है। बिल्कुल सही। और इतने बड़े ड्रामे का एक फिल्मी वाइंडअप के बजाय एक इतना हकीकत पसंदाना वाइंडअप किया गया कि उसने एक तो तालीम की बात की परीजात ने कि तालीम सबको दें और यकसां तालीम में निज़ाम होना चाहिए, और फिर उन दोनों ने तय ये किया कि हम इस दूरदराज इलाके में शहर की गहमा गहमी सहूलतों से दूर यहाँ बर्फों के अंदर हम जो बच्चे रहते हैं यहाँ बच्चे पढ़ाएंगे। तो ये काम लोग कर रहे हैं, हाशिम नदीम जैसे लोग हैं, लेकिन अब सारे ड्रामे ऐसे नहीं बन सकते। सर, परीजात में जब आपको ये रोल ऑफर किया गया तो आपने क्या चीज देखी? फौरन हामी भर ली थी या आपने कुछ थोड़ा बहुत जो कहा था कि ठीक है मैं सोच के जवाब दूंगा या मैं इसको पूरा पढ़ते हैं आप फिर उसके बाद जो है वो जवाब देते हैं, कैसे? बात दरअसल ये है कि मैंने ये रोल किया था कि मुझे पैसे भी मिलेंगे और क्योंकि हम टीवी पे चलेगा तो उसकी शोहरत भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैं गया तो ये रोल जो मैं समझ रहा था उससे भी छोटा था। अच्छा। और मुझे शुरू से करता छोटा रोल हूँ, सपोर्टिंग होता लेकिन होता इंडिपेंडेंट है, और इंस्पेक्टर माना तो खुदा गवाह का या मरगई शौकत अली वाला इंस्पेक्टर हो या इंकार ड्रामा सीरियल का गुल्लू बादशाह हो या दिल ना उम्मीद तो नहीं का बाबा रांझा हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं था। सही। लेकिन उस दिन वो आए हुए थे सेट पर क्वेटा से हमारे राइटर हाशिम नदीम साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखारिफी ये कर रहे हो, ये बहुत अच्छा रोल है और तुम देखना ये कितना हिट होगा। तो मैंने कर लिया, पहले दिन शूट हुई, शाम को हम गेस्ट हाउस में गए, मेरा बेटा लाहौर से मेरे साथ गया हुआ था इस्लामाबाद। अच्छा। शूट हो रहा था तो उसने मुझे कहा बाबा जी ड्रामा बड़ा हिट है। मैं कहा अच्छा। मैंने उस दिन पहली दफा इसके 5 एपिसोड देखे। अच्छा। तो मुझे देखने के बाद, पहली शूटिंग के बाद पता लगा ये तो ड्रामा हिट है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ड्रामा हिट है, और मैं ये भी नहीं जानता था कि इससे इतनी बड़ी शोहरत मेरे हाथ आएगी, जो एक मैंने अपनी 53-54 साल की जिंदगी में किसी छोटे से रोल को 11 सीन चले हैं टोटल मेरे, और आप शोहरत देखिए कि अभी सड़क पे चले मेरे साथ। सही बात है, देखिए क्या होगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, ये जो यानी शोहरत के लिए ज्यादा काम की जरूरत नहीं है, आपके इस करेक्टर ने साबित कर दिया शोहरत के लिए अच्छे काम की और म्यारी काम की और अपने काम के साथ इंसाफ करने की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? नहीं, शोहरत के लिए अल्लाह की करम नवाजी की जरूरत है, पहली बात। अल्लाह के फजल की जरूरत है। अच्छे रोल किए हैं, वाह वाह। मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी कितनी मेहनतें की हैं। हमने कहाँ कहाँ, हमने अप्रैल मई के मौसम में किला द्रावड़ जाके हमने शूटिंग कर रखी है, काश्मीर सार की खुदा जमी से गया नहीं, सुबह 9 बजे तक शूटिंग होती थी फजर के बाद, सारा दिन पैकअप, 4:30-5 बजे शाम को जाकर हम काम शुरू करते थे, रात को 10 बजे पैकअप करके वापस भावलपुर आते थे, 3 घंटे सोते थे,
फिर सुबह फजर से पहले पहुंच जाते थे, सही। लेकिन उन ड्रामों को पजीराई नहीं मिली। तो फिर ये समझ आया कि यार सारे अच्छे काम, सारी ताकत, सारी मेहनत और सारी टेक्निक ड्रामे की लगाने के बाद भी अगर शोहरत नहीं मिली ना, तो फिर ये मंजानी बल्ला है। कमाली जैसा छोटा सा रोल, मुन्ना सा रोल, स्पोर्टिंग रोल, और वो इतना भी हिट हो जाए, तो ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी से हो सकता है, नबी पाक सल्लम के पैरों के सदके हो सकता है, मेरी मेहनत से नहीं हो सकता। बेशक, वाह सुभान अल्लाह, बड़ी बात है सर। यही यकीन और यही ईमान जो है ना, वो इंसान को एक दिन जो है तरक्की की मंजिलों पर ले जाता है। क्योंकि आपके दिल में चाह भी थी कि आपने किसी मुकाम तक पहुंचना है, ये भी तो जरूरी होता है ना कि आपके अंदर चाह भी तो हो। नहीं, वो नहीं थी ना, मैं ये बताना, जब मैं जवान था और मेरे पूरे बाल थे और मैं 10 साल जब मुझे काम नहीं मिला, मैं उस वक्त चाहता था कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें। इस बुढ़ापे में आकर अब जब सेल्फी बनती, क्योंकि ऑटोग्राफ कन्वर्ट हो गया सेल्फी में। सही, हाँ सही कह रहे हैं, सेल्फी में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, अगर तूने अपनाया उसको जो मेरी चाहत है तो मैं दे दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तूने झुटलाया उसको जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आप यकीन कर लीजिए, लोग शायद मजाक समझते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था मैं इस ड्रामे में मुझे लिया जाएगा, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझे अल्लाह ताला इतनी शोहरत से नवाज देगा कि मैं खुद हंसता हूँ, मेरे बच्चे मुझे अब कमाली साहब कहते हैं। और सही, अब घर में जब मैं गाड़ी से के पास जाता हूँ, मैं मोहल्ले में रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो वहाँ जब लोग नौजवान खड़े होते कहते हैं हम 2 घंटे से या घंटे से इंतजार करें, या बच्चा आके बताता है बाबा को मिलने आया, तो कहते हैं सेल्फी बनानी है, या मेरी अम्मा कहती हैं कि वो हमसाई आई थी, उनकी बहू और दामाद आए हैं, उनका जरा वो तस्वीरें बनवा ले। सही। तो फिर मुझे समझ आती है कि नहीं, इफ्तिखार इफ्फी तुम पे अल्लाह की ने खास करम किया है, और इस करम का फायदा ये होगा जो वीलॉग्स में बनाता हूँ पार्कों में, हजरत इंसान के डिप्रेशन को कम करने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए, रिश्तों की मजबूती के लिए, उस मेरी कॉज को मेरे मरने से पहले अल्लाह ताला ने कितना बड़ा बूस्ट दे दिया वो कमाली का, कि अब वो रॉकेट फिट हो गया है। तो अब लोग मुझे ज़्यादा देखेंगे, मेरा पैगाम मोहब्बत, प्यार, आसानियाँ बांटने का, इंसानों की तकरीम का, इंसानों की इज्जत नफ्स को पालने का पैगाम अब और ज्यादा फैलेगा। तो कमाली ने ये कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अच्छा, ये कमाल बहुत अरसे तक हो गया ना, ये कमाल बस हो गया क्योंकि ये आपके साथ जुड़ गया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको एक गिफ्ट मिलना था वो इस ड्रामे की सूरत मिला। लेकिन अभी तो आगे अब बहुत काम बाकी है सर, अभी तो आपने माशाल्लाह और चमकना है, अभी तो ये आगाज़ है, अभी तो आगे जो है वो आपके पास और बहुत से मराइल हैं। देखिए जी, बंदा होने के नाते तो इससे हिट कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है नीली छतरी वाला, वो तो पता नहीं क्या कर सकता है, तो ये मालिक को पता है। लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ, उनकी चाहतों का, और ख़ास तौर पे आपका, आपके चैनल का, जितनी इज्जत आप लोगों ने मुझे दी, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इससे ज़्यादा इज्जत से नवाज़े। आमीन सर, आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप जैसे लोग हमारे मुल्क का सरमाया हैं, आप जैसे लोगों जो मेहनत से आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपना एक एक पल जो है वो इस सोच में नहीं कि मुझे मेरा कोई साथ दे देगा, मुझे ये बंदा आगे पहुँचा देगा, अपनी मेहनत के लिए इंसान सब कुछ करता है, हर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन जो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाता है उसके साथ ही सारी दुनिया जो है वो मिक्स हो जाती है, और वहाँ से जो है वो आगे इस बात चल पड़ती है। आपके बड़े इंटरव्यूज़ हुए होंगे, लेकिन इतने सख्त और डिफरेंट सवाल किसी ने किए नहीं होंगे आपसे अंदर की बात। मैंने आज ये सोच रखा था कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो मैंने आपसे सारी वो बातें पूछनी हैं जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, आपको ये अता कैसे हुई, आपने ये सारी स्ट्रगल कैसे की, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि इफ्तिखार इफ़ी जो है वो एक मुसन्निफ़ है, एक राइटर हैं, एक एक्टर है, लेकिन इफ्तिखार इफ़ी खुद क्या हैं, अंदर से उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल की, क्योंकि हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं वो तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, हाथ पांव छोड़ देते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और बैठ जाते हैं बस अपनी किस्मत को कोसने के लिए। तो इनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। आपके बच्चे क्या कहते हैं जब आप अपने बच्चों को ये वो आपको देखते हैं, आपकी लाइफ की स्टोरी सुनते हैं, तो कैसा पाते हैं उनमें कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल आप जैसा है? अली जो बड़ा है ना मेरा, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा। बेटे तो मेरे तीनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन अली ज्यादा है। अच्छा। और बच्चे वैसे ही बिहेव करते हैं, बस अली को थोड़ा सा एहसास है, वो मेरे साथ ज्यादा जाता है। अच्छा। तो वो उस शोहरत को जो मुझे मिली उसको एंजॉय भी करता है और फख्र भी करता है। ईसा अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू है, मूसा उससे भी छोटा, तो वो आम बच्चे जैसे हैं, जैसे हर घर में बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। सही है।
सही है बिल्कुल, लेकिन जिस शख्स ने स्ट्रगल को देखा हो और जिस जो बच्चा आपके साथ जाता है, जाहिर उसको तो पता है ना कि बाबा के जो है वो कितनी मेहनत से कैमरे के सामने खड़े होकर जो है वो डायलॉग डिलीवरी करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, और फिर बार बार जो है वो अगर कोई भी काम हो गया, आपने अपनी डायलॉग डिलीवरी सही दी है, दूसरा बंदा जो है वो हो गया है, उसके बाद फिर इस चीज़ को शुरू करना, ये बड़ी पेशेंस का काम है। एक्टिंग जो है वो बड़ा मैं समझती हूँ बर्दाश्त का काम है, जिसमें सब्र ज़्यादा ना वो एक्टिंग कर सकता है। आप पता नहीं मुझे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूँ कि आप तो खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, इस दुनिया में रहने के लिए सबसे ज़्यादा बर्दाश्त और सब्र की ज़रूरत है। सही। और वो ये वाले पोर्शन को ठंडा रखने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जेब में रोज़ाना 100 माफियाँ, 100 मुस्कुराहटें और 100 सॉरी लेके निकला करें, जो रोज़ बांट के आ जाया करें। वाह। तो मैं इस तरह की कोटेशनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि जी जो एक दफ़ा धोखा दे दे तो वहाँ से धोखा हो। भाई मैंने धोखा दिया, मुझे एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो, ख़त्म, बात आगे बढ़ाए। हम ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यार, ताल्लुक ख़त्म ना करें। ताल्लुक ख़त्म, देखिए हम बशर हैं, बशर से फरिश्ता होने की ख्वाहिश मत कीजिए। ये गलती करेगा बार बार करेगा, इसको ऐसे ही माफ़ करें जैसे अल्लाह हमें बार बार माफ़ करता है, और या जैसे हमारे माँ बाप हमें बार बार माफ़ करते हैं। वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि तुम लोगों को ऐसे माफ़ कर देगा जैसे तुम मुझसे तवक्को रखते हो हर बार गलती करके माफ़ी मांगने की। सच्ची बात। तो मेरा ख्याल है जिंदगी को किसी शैल में बंद ना करें, इंजॉय करें, जिंदगी का मजा लें। डॉक्टर साहब दरअसल मुझे एक बीमारी लाहक है जी, और वो दुनिया को मैं आज बताता हूँ वो बीमारी क्या, बड़ी खुफिया और राज की बात है। और वो ये है कि मैं जिंदगी में हूँ, और ज़िंदगी को एक बीमारी लाग है कि इसको मौत आनी है, और जिस बंदे को ये पक्का यकीन हो कि उसने मौत आनी है और पेश होना है, वाह, तो वो फिर दो नंबर ही नहीं कर सकता। वाह क्या बात है सर, बंदों से मोहब्बत करे, कमाल कर दिया आपने। आपने वो हकीकत बयान कर दी है जो इंसान की हकीकत है, लेकिन इंसान इसको समझने से कासिर है। जिसने समझ लिया उसने अपने असल को पा लिया, उसने फिर जिसकी अर्श पे इज्जत होती है उसकी फर्श पे भी इज्जत होती है। मैंने तो लोगों को ऐसे ही देखा है कि जहाँ अल्लाह जिसको मुकाम देता है तो पहले मुकाम ऊपर बनता है, फिर मुकाम जो है वो ज़मीन पे बनाया जाता है और उसको इज्जत दी जाती है। तो जिसने फिर इस दुनिया से जाना है, और हर इंसान ने जाना है, जो इंसान जो जान यहाँ पर आई है उसने जाना है। आज की जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बड़ी जल्दबाज हैं, और इस जल्दबाजी में मोहब्बत भी हो जाती है, मोहब्बत में ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि रिश्तों को जो है वो जोड़ना चाहिए, गलतियाँ हो जाती हैं माफ़ कर देना चाहिए। कुछ हमारे राइटर्स बड़े हमारे जो है वो राइटर हैं वो कहते हैं बेवफाई को माफ़ नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए जी, वफा की तो माफ़ी होती ही नहीं, माफ़ी तो बेवफाई की होती है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी मेरे को गलत गल बर्दाश्त नहीं होती। भाई गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती, सही बात तो होती काबिल बर्दाश्त। जिंदगी है, इसके अंदर नफ़रतें भी मिलती हैं, मोहब्बतें भी मिलती हैं। नफ़रत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दें और मोहब्बत बांटें। मुझे कल एक बच्चे ने कहा जी जो लोग बड़ी नफरत करते हैं और बड़ी बकवास करते हैं उनके साथ क्या करें। सही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताएं, आप गली में जाते हो कभी कुत्ता भौंका है आप पे? कहता हाँ जी। मैं कहा आपने क्या किया था? कहता जी मैं भाग गया था वहाँ से। तो मैं कहा बस भाग जाओ वहाँ से, आगे भौंकना तो नहीं है। सही। या जब सही। बेरी के ऊपर बेर आते हैं तो लोग उसको पत्थर मारते हैं। सही। लेकिन क्या कभी बेरी के दरख्त ने आपको मुड़ के पत्थर मारा है? या चौसा आम पूरे साल पकता है, सर्दी गर्मी ब्लॉसम आता है, बुरा आता है, फिर वो पक जाता है। सही। तो उसने कभी माली को आम उतारते हुए आवाज आई हो कि तेरी मेहरबानी को थोड़े से पैसे दे दे मुझे? सही। या मेरा शुक्रिया अदा करता चला जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा तो इसलिए लोगों को माफ इसलिए करना है, इसलिए उनकी बहुत सारी गलतियों को सरफे नजर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। कि चौसे आम को सिर्फ 15 दिन पहले तोड़ लें तो वो तुरश होता है। सही। तो मुझे 30-35-40 साल की उम्र में किसी भी इंसान को मौके दे दें, यार अभी मैं जब पक जाऊंगा ना तो मैं चौसे की तरह मीठा हो जाऊंगा। सही। लेकिन चौसे को 15 दिन पहले अगर आप तोड़ लेंगे तो वो तुरश होगा। सही। वही मीठा आम, तो इसलिए वो कैरी होती है। सही। तो इसलिए लोगों को पकने का, किरदार के इखलाक के किसी मकाम पे पहुंचने का, अपने किरदार को बनाने का, कुछ सोचने का, अल्लाह के बंदों के लिए एक आसानी पैदा करने का मौका बार बार जरूर दीजिए। माफ कर दिया करें। सर कुछ लोग जब हम यूरोप जाते हैं ना तो वो कहते हैं वहाँ के बच्चे वो कहते हैं मैजिक वर्ड्स। तो मैंने कहा मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं? यस। तो मुझे बताया गया सॉरी और थैंक यू। यस। तो वो मैजिक वर्ड्स अपने पास रखें। बिल्कुल ठीक सर। ये बताइएगा कि आज का इंसान जिस तरह मोहब्बत के मामला, तभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने जो मोहब्बत में प्लेज लिखे,
क्या आपको जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है कि एक इंसान को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत एक तो अल्लाह की अता है, ये हर किसी शख्स ने करना है। अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत हर किसी शख्स को हो जाती है, लेकिन किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलती उनके लिए मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है, जिनको मिल जाती है उनके लिए मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। आप बताएँ असल में मोहब्बत है क्या चीज़। मोहब्बत एक जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखा है, हमारे सिस्टम में शामिल है। मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि अल्लाह की पूरी कायनात और उसमें मौजूद तमाम मखलूकात से मोहब्बत करना, उसको चाहना मोहब्बत है। वाह। आप जो बात कर रही हैं पर्टिकुलर लड़के लड़की के दरमियान जो मोहब्बत होती है, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। उस जज्बे को मैं कम अज़ कम मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता। ट्रू। उसकी वजह आपको बताता हूँ। वो लड़की जो आपके लिए मरी जा रही होती है और आप उसके लिए मरे जा रहे होते हैं, अगर उसकी शादी कहीं और हो जाए इन केस, तो जब भी आपका पहला रابطہ उससे फ़ोन पे हो या मुलाकात हो, तो वो हमेशा ये कहती है कि देखो अमजद, मैं अब किसी की इज्जत हूँ तो मुझसे रابطہ मत करना। और अमजद भी मान जाता है। सही। हालांकि वो गलत कह रही है। उस शादी से पहले तो वो बाप की इज्जत थी, माँ की इज्जत थी, बहनों की इज्जत थी, भाइयों की इज्जत थी, खानदान की इज्जत थी। सही। उस वक्त उसको ख्याल नहीं आया। अब एक शख्स के निकाह में गई है तो साथ ही उसको इज्जत का ख्याल आ गया। तो जरूर सोचिएगा, मैं नहीं कहना चाहता, आप सोचिएगा कि क्यों वो ऐसा करते हैं। तो मोहब्बत बंदे से बंदे की जो मोहब्बत है, जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करने वाली मोहब्बत है, वो किसी के लिए भी है। वो किसी खाकरोब से है, वो हमारे घर में सफाई वाला आता है उससे है। सही। वो कलई घर से है, वो किसी से भी, वजीर आजम से है, वो चीफ मिनिस्टर से है, वो किसी से भी है, फौज से है। सबसे यकसा मोहब्बत करें, सबसे यकसा मोहब्बत करें और शफाफ मोहब्बत करें दिल साफ करके। ये अच्छा, नहीं कि दिल में कुछ है और ऊपर कुछ है। मोहब्बत एक तरफा ट्रैफिक होती है। आप देखें अल्लाह ताला हमसे एक तरफा मोहब्बत करता है। वाह। हम कौन से उसके सारे अहकाम मानते हैं। सही बात। आकाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत से और मुसलमानों से एक तरफा मोहब्बत की है। ट्रू। हम कौन सी उनकी सारी सुन्नतें पूरी करते हैं। बिल्कुल सही सर। हमारी माँ, हमारा बाप हमसे एक तरफा मोहब्बत तो करते हैं। पैदा करने से 25 साल की उम्र तक आपकी फीसें देना, दवाइयाँ ला के देना, कपड़े ला के देना, आपको पढ़ाना, आपका खाना पीना 24-25 साल तक माँ बाप करते हैं। क्या ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। सही। अगर राह जाते हुए मुझे कोई लड़की भाग गई है तो ये एक तरफा है। वाह। तो इसको एक तरफा ही रहने दें, ये जज्बा एक तरफा ही होता है। कैसी बात है कि जब कितनी खूबसूरत आपने बात ख़त्म कर दी ना। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अब इसको जो है वो डिफाइन करने यहाँ पे बैठूँ। मोहब्बत एक तरफा है और ये सिर्फ आपने करनी है। इसमें ये जो होता है ना कि मैंने करनी है तो अगला भी मुझसे करे, ये वाला काम नहीं होता। शर्त नहीं होती। शर्त नहीं होती। शर्त नहीं होती। आपने जो करना है आप अपना काम करते रहें। बहुत अच्छी खूबसूरत बात आपने जो है वो की है। सर ये बताइएगा कि शायरी करते हैं, ये शायरी आमद है। मेरी अब तक जो मैंने कहा वो तो सारी आमद है। अच्छा। एक दो नगमे लिखे थे वो आवर। दरअसल जब आपको कोई मौजू दे दिया जाए या आपका दिमाग खुद से किसी मौजू को सोचने लग जाए तो, और फिक्रे सुखन में बैठना आवर्द है, और जो बैठे बैठे कोई चीज़ आती है और आप कहना या लिखना शुरू कर देते हैं वो आमद है। सही। तो मुझे ज़्यादातर आमद होती है। आपका आपकी जो मैंने शायरी पढ़ी है वो आमद की शायरी है। सर कुछ सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप चाहते हों कि ये आपको बहुत पसंद हो और कभी खुद भी जो है वो। जी एक है कि हमारे अंदर इतना तकब्बुर होता है और इतना गुस्सा होता है और हम अपने आप को अपने पैसे अपने मर्तबे की वजह से पत्नी क्या फन्ने खान समझते हैं, तो हम फिर किसी की इज्जत उछालते हुए सोचते नहीं हैं। सोचते नहीं हैं। उस पर मैंने लिखा कि तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है। वाह। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। वाह। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। वाह। ये मेरे मिले और वो भी मिल जाए। वाह। ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। ये जो मैं है ये जानता हूं मैं। ये जो मैं है ये जानता हूं मैं। ये जानता हूं मैं। हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। वाह। और ये रविश है तो अपने बंदों में वो लिखे मेरा नाम मुश्किल है। और शेर देखिएगा कि पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा। वाह। पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा। शख्स का एहतराम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। बाबा जी इश्फाक साहब कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बना दिया है वाह वाह, या आपको किसी अमीर घर में पैदा कर दिया है,
या आप पढ़ लिख के बहुत बड़ी डिग्री ले गए हैं, तो अपने हुसन, अपने पैसे या अपनी डिग्री की वजह से इज्जत नफ्स के मारों का, सफेद पोशों का सर कलम करते मत फिरो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, अल्लाह की अता है। अगर आप खूबसूरत है या आप अमीर है, तो इसमें आपने कौन सी तोप चला रखी है? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कहीं तकब्बुर है, तो कहीं और जाके उसको आपकी मेहरबानी करें। अल्लाह के बंदों की इज्जत उछाल कर नीलाम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि शायद आप दोजख के हकदार ठहरेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये लोगों को समझाना कितना आसान है या ये लोगों को समझाना ही मुश्किल है? देखिए जी, ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह ताला के पास एक जन्नत है और एक दोजख है। तो दुनिया में भी दो तरह के इंसान होंगे, या जन्नती होंगे या दोजखी होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने ये सोचना है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ जाना। तो वो इंसान जो आज तरक्की कर चुका है, गैजेट्स आ गए, ये आ गया, गाड़ियाँ आ गई, लाइट्स कैमरे आ गए, सिर्फ तब्दीली क्या आई है, साइंस ने कुछ तब्दीली की है। इंसानी जिबिली तकाजे वहीं के वहीं है, इसकी सोच भी वही है। अगर आज से 4000 साल पहले किसी शख्स को गाली बुरी लगती थी, आज भी लगती है। आज भी लगती है। उस 4000 साल पहले भी इंसान मुंह से खाता था, आज भी मुंह से खाता है। सही। सांस नाक से लेता था, आज भी लेता। तो इसके जिबिली तकाजे वही है जो आदम अलैहि सलाम के थे। सही। हम सब के जिबिली तकाजे वही है। लेकिन तरक्की आ गई, तो वो साइंस ने तरक्की की है, तो इसलिए इंसान को कभी ये मत सोचिएगा कि क्योंकि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है तो इंसान शायद मजबूत हो गया। इसका दिमाग आज भी उन्हीं चीज़ों का बुरा मनाता है, उसी तरह नाराज़ हो जाता है, छोटी सी बात पे उसी तरह खुश हो जाता है। तो इसको खुश रहने की, रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसानी दिमाग ज़्यादा देर परेशान रहे तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है, इवन कि हमारे यंगस्टर्स में जो एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, उस वो भी एक जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गया है। शायद यही वजूहत हैं कि हम इन चीज़ों को समझने से कासिर हैं। सर, डिप्रेशन बढ़ा, तकलीफ़ बढ़ी, परेशानी बढ़ी। बड़ी खूबसूरत बात की थी आपने ऑफ़ कैमरा, मैं चाहूँगी ऑन कैमरा भी वही आप बात जो है वो ज़रूर दोहरा दें कि इसकी वजह क्या है। हम जैसे जो माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हमने जब इस अपने स्टडीज़ को पढ़ा, तो आज से कोई 10 साल पहले इस सब चीज़ों को कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि एक माहिर नफ्सियात क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है। आज का दौर आप देखिए, हर बंदा ये चाहता है कि वो किसी तरह फ्रस्ट्रेशन से निकल जाए, डिप्रेशन से निकल जाए। लोग हाथ जोड़ते हैं हमारे आगे आके कि हमें इस तकलीफ़ से निकाल दें, हम रातों को सो नहीं पाते। वो अज़ियत, वो कर्ब और वो दर्द हम सुनते हैं और हमारे कान जो है वो बर्दाश्त करते हैं और हमारा दिल बर्दाश्त करता है कि हम जो है वो उनको इस चीज़ से निकालते हैं। क्यों, आप क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? देखें डॉक्टर साहब, आपका तो ये काम है और आपकी डिग्री है, मुझे तस्दीक और तरदीद आप करेंगी इस ख़ास तौर पे जो अब मैं बात करने का पर्टिकुलर। मुझे ऐसा लगता है जिस शख्स में जितना ज़्यादा गुस्सा है, जितनी ज़्यादा अना है, जो शख्स अपनी जितनी ज़्यादा इज्जत करता है वो उतना ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब कोई बुरा कहे और हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करे, तो हमें वो दुकान पे काम करने वाला बच्चा नहीं देखा, काले उड़ाए चाल आ गया, कोई इस किस्म का बच्चा बन जाना चाहिए। मैं तो फिर ऐसे ही करता हूँ जब, क्योंकि देखें आपके ख़िलाफ़ चीज़ें तो होंगी, कुछ चीज़ें साजिश के तहत होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नादानिस्ता आपके खिलाफ होती हैं। सही। लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो समझते हैं यार नहीं, इसने कुछ किया, आप पे गलत थोप देते हैं। सही बात है। तो ये दोनों सूरतें आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी में आ सकती हैं, तो बेहतर ये है कि उसको अल्लाह ताला भला करे। समझ नहीं पाते तो आपको बदनाम करते हैं। हाँ, तो आके दो जा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में कहता है, नबी इनसे ऐसे दूर रहें जैसे आग से, या दूसरी जगह फरमाया कि बस इनको दूर से सलाम करके गुजर जाएं। बिल्कुल सही। तो इनकी बातों को कैरी ना करें, ये बेचारे जो बोलने वाले होते हैं ये करेंगे, आपके कपड़ों पे भी कमेंट करेंगे, आपके करेक्टर पे भी बात करेंगे, आपके किरदार पे भी कीचड़ उछालेंगे। तो बेहतर ये इनसे माफी मांगे, इनसे कहा तू ठीक कह रहे हैं, सलाम अलैकुम। वो कोई बड़ा आदमी जब मरने लगा ना, तो उससे सवाल किया गया कि सर आप इतने बड़े मुफक्किर हो गए, इतना आपने नाम पैदा कर लिया, तो आपने गलत बात बर्दाश्त कैसे की? हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं हर गलत बात पे कहता था कि आप ठीक कह रहे हैं। सही। तो उसने कहा सर ये मुनाफ़कत नहीं है? तो उसने कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। सही। तो हमें अल्टीमेटली उस जगह पे आना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसको समझाएंगे? आपके सामने जो बैठा है वो सारे आलिम फाजिल हैं। सही है। आपके हाथ आप अंदाजा लगाएं डॉक्टर साहिबा कि आप तो जानती हैं कि 8 अरब डॉलर से ज्यादा की जी हम एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। सही कह रहे हैं।
लेकिन हमारे यहाँ आज भी मेंटल हेल्थ पे उसको मानते नहीं, किसी को है ना कि यार देखो ये बात मत करो, मुझे एंजाइटी होती है, लै वडा अंग्रेज। तो अभी तो हम कहीं और खड़े हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है कि यार ये बकायदा एक बीमारी है जो तबाह कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ आज से 7-8 साल पहले। अच्छा। तो मुझे इसलिए पता है, और मैंने ये जो वीलॉग्स बनाए हैं ये लोगों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा ख्याल है आप क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट हैं तो आपको बड़ा बेहतर अंदाजा होगा। जी सर, मुझे तो बहुत अंदाजा है, और हम जब यहाँ के मैं लोगों को देखती हूँ, उनकी प्रैक्टिस देखती हूँ, तो तब भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने प्यारों को जिस तरह डील कर रहे हैं ना, हमारी डीलिंग सही नहीं है, हमारे रवैये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे प्यारे इस नौबत तक आते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की थी ऑफ कैमरा कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं क्योंकि अपने घर में वक्त नहीं दे रहा, इस वजह से मेरे घर में जो है वो डिप्रेशन है। मैं क्योंकि अपनी बीवी को, अपने शौहर जो है वो अपनी बीवी को, या बीवी जो है वो अपने शौहर को वो वक्त, वो प्यार, वो इज्जत नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से डिप्रेशन है। डॉक्टर साहब, इशफाक साहब कहा करते थे कि अपने कान लोगों की तकलीफें सुनने के लिए मैसर रखो, दस्तयाब रखो, और अपने कंधे उनको दो ताकि वो सर रख के रो सके और दिल का हाल कह सके। और वो कहते थे कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे, जो कि चुपाल भी चला गया, थड़ा भी चला गया, सही, अब हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अलग अलग हर बंदा अपने गैजेट में लगा हुआ है, समाजी सहारा छिन गया, तो हम सारे तनहा हो गए। अब हम जाते हैं आप जैसे डॉक्टरों के पास और रोते हैं और पैसे भी देते हैं, और आप हमारे दिल का हाल सुन लेते हैं, एक आधी सोने वाली गोली दे देते हैं, फिर 2-4-6 दिन गुजर जाते, फिर हम आपके पास रोते धोते आ जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते देखें, जहाँ हम सुनना छोड़ देंगे, जहाँ मोहब्बतें बांटना छोड़ देंगे, जहाँ हम सूफी थॉट को, किसी रूहानी बंदे को, जो जो बिला किसी फायदे के आपके आपकी मदद करे, आप उसको अगर मारेंगे या झूठा करार देंगे तो फिर लोग आप ही के पास आएंगे, फिर साइकेट्रिस्ट की जगह बचेगी। सर, जब अल्लाह वालों की बैठक खत्म होगी तो फिर क्लिनिक की तरफ रास्ते खुल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की, यही बात है। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल थेरेपी को बाद में स्टार्ट करते हैं, एंड टू एंड में ले जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल इनको जो है वो बाद में समझाएंगे, पहले इनको डिप्रेशन से निकालें। आप उन्हें कभी डिप्रेशन से नहीं निकाल सकते जब तक आप उन्हें अल्लाह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो इंसान अल्लाह से दूर है वही बेयकीनी की कैफियत में है। और ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि दुख तकलीफ़ बहुत अजियत बहुत बर्दाश्त कर ली होती है इंसान ने, तब भी वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। सर, इफ्तिखार इफ़ी ने अभी तक कोई ऐसा करैक्टर ना किया हो, और इफ्तिखार इफ़ी ये चाहते हों कि मुझे ये करैक्टर करना है, वो क्या है? मैं दुनिया के स्टेज पर एक उस अच्छे आदमी का किरदार करना चाहता हूँ जिसको मरने के बाद लोग कहें यार बंदा चंगा सी, बस। वाह 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 सर, मैं ही क्लैप कर सकती हूँ इस बात पे आपके लिए। हमारे नाजरीन, जो आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, ये यही बात है, असल में मकसद तो यही है। सर, मैं चाहूँगी अपनी शायरी, हम क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ आप खूबसूरत जो है वो सुना दें। और जब आप कहते हैं कि मैं मतलब हर चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, आपकी बड़ी खूबसूरत शायरी है, वो मैं चाहूँगी कि वहीं से जो है वो उसी पर हम इख्तिताम करें। देखिए जी, मैं दो है उनमें से एक सुना देता हूँ। वो ये है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वाह वाह, वफाएँ याद रखता हूँ, जफाएँ छोड़ देता हूँ, वाह, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते, नाराज लोगों पे मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ, वाह वाह वाह, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ, वाह, और तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, वाह, और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, सुभान अल्लाह, खताएं छोड़ देता हूँ, वाह वाह वाह, नबी को याद रखता हूँ, वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, वाह 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 वाह, क्या बात है सर। आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैंने आपका इंटरव्यू किया। आप जैसी अहम और बड़ी शख्सियत का लोगों के लिए आप क्या मायने रखते हैं मैं नहीं जानती, लोग आपको आपकी शोहरत से जानते हैं, मैं आपको आपके किरदार से समझी हूँ, और मैं समझती हूँ कि जिसका किरदार बुलंद हो उस शख्सियत के साथ बैठना
और उसकी महफिल में बैठना, आप इतने बड़े लोगों की महफिल में बैठते आए हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है, और जो भी लोग बड़ी महफिलों में, अदबी महफिलों में और अल्लाह वालों की महफिलों से उठकर आते हैं, वो कभी भी नहीं ठुकराए जाते, उनके लिए जो है वो तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप इसी तरह हमारे लिए अच्छा अच्छा लिखते रहें, आपकी मज़ीद अच्छी शायरी भी हमारे पास आए। और आगे आप क्या करना चाहते हैं, कोई इंकशाफ नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं जी, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ और खुशी बांटना चाहता हूँ। ये कमाना शमाना ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी तमाम चीज़ों में जो है वो बरकत अता फरमाए अच्छी वाली। आज आपके प्रोग्राम को मैं वाइंड अप कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर जरूर जरूर। आप मुझ कमतरीन से मिले और इस गुफ्तगू में कहीं कोई दिलाजारी का आंसर या कहीं गलती होगी तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। देखते रहिए डॉक्टर साहब का प्रोग्राम और जुड़े रहिए कोहिनूर चैनल से। और आखिर में उस फ़कीर की दुआ पे हम इख्तिताम करेंगे जो सदा लगाया करता था कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। अल्लाह निगेबान। अल्लाह।